हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने आप देख रहे हैं काफी ज्यादा वेट कराने वाली गाड़ी हुंडई क्रेटा, और यह है इसका EX डीजल वेरिएंट। भाई एक एक साल तक की वेटिंग है गाड़ी पे, ठीक है। और सामने आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर है भाई, काफी गजब का लुक निकल के आती है। वहीं ग्लोबल एंड कैब में गाड़ी को 3 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई है। वैल्यू फॉर मनी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का जो एक्सोरूम है लगभग पड़ता है 14 लाख के आसपास, वहीं 15,05,000 रुपये में आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हो। इस प्राइस रेंज में भाई ये गाड़ी इसलिए ज़्यादा बिकती है और इसलिए ही गाड़ी का वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। वहीं आप लुक की बात करो भाई, वो तो जग जाहिर है गाड़ी का लुक। लोग इस गाड़ी को उसकी लुक की वजह से बाय कर रहे हो, खासकर भाई ब्लैक कलर में ये गाड़ी काफ़ी गजब का लुक देती है। हालांकि गाड़ी काफ़ी गंदी है, लेकिन भाई फिर भी आप देख पा रहे हो क्या भौकाल मचा रही है गाड़ी। लुक की बात करें, लगभग 1800 mm की गाड़ी में विड्थ मिल जाती है। जो आप देख रहे हो ये भाई स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी हुई है, मैं इसको नहीं हटा सकता, वरना आपको पूरी ब्लैक फिनिश में जो है गाड़ी मिलती है। जो लुक है सामने का वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। ग्रिल आपको मिलती है कुछ इस प्रकार की, लेकिन अगर ये ग्रिल ग्लोसी ब्लैक फिनिश में होती तो और ही ज़्यादा बेहतर रूप निकल के आता। सामने LED DRLs मिल जाते हैं, वहीं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया है। एक ही हेडलैम्प है, लेकिन भाई रोशनी काफ़ी गजब की है, काफ़ी मस्त लगती है ऑन होने के बाद। नीचे आपको मिलेंगे क्या इंडिकेटर, ठीक है, और ये कुछ कहानी आपको मिलती है सामने की। DRL आप सामने देख पा रहे हो, जग जाहिर गाड़ी है भाई। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। लेंथ की बात कर लेता हूँ तो पूरी 4300 mm गाड़ी की आपको लेंथ मिलती है, वहीं लगभग 2600 mm की गाड़ी में व्हील बेस मिलता है। एक प्रॉपर SUV गाड़ी है ना, और लोग बाकी इसलिए इस गाड़ी को बाय करते हैं। ये है गाड़ी की चाबी, लॉक अनलॉक का बटन है, वहीं बूट को अनलॉक करने का बटन मिलेगा। दूसरी भी की आपको सेम मिलती है। गाड़ी के टायर सेक्शन की बात कर लेता हूं तो 16 इंच के टायर आ जाते हैं, ब्लैक कलर में स्टील रूम, और इसके ऊपर आपको व्हील कवर मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ। ये है गाड़ी का टायर सेक्शन, 205/65R16, आगे डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, यहाँ पे आपको मिलेंगे व्हील आर्चेस, साइड में मोल्डिंग। जो ORVM है ये आपको मिलेंगे बॉडी कलर, और यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिकेटर। बाकी जो ये ORVM है ये अंदर से एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी ऑटो फोल्डेबल नहीं है, ठीक है। फ्यूल टैंक की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 50 लीटर का बड़ा डीजल टैंक मिलता है, और भाई DEF का भी ऑप्शन आपको साइड में ही देखने को मिलता है। ये कहानी आ जाती है पीछे से, भाई गाड़ी का रियर लुक बहुत ही प्रीमियम लगता है, और इस गाड़ी को लोग बाय ही इसलिए करते हैं गाड़ी के लुक की वजह से। ये देखो क्या गजब का लुक निकाल के दे रही है ना। स्पॉइलर मिलता है काफ़ी बड़ा सेप का, सामने आपको मिलते हैं शार्क फिन एंटीना। वहीं बात करें टेल लैम्प के बारे में तो यहाँ पे LED में टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, काफ़ी गजब का लुक देते हैं टेल लैम्प्स। बाकी आप पीछे देख पा रहे होंगे क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है, हुंडई लिखा हुआ है। जो ये वाली लाइट है ये फंक्शनल नहीं है, बट हाँ रिफ्लेक्टर का काम करती है। नीचे आपको मिलेंगे ब्रेक लाइट, और अब करते हैं बूट अनलॉक। तो भाई यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा डीप बूट स्पेस मिलता है, ये देखो लगभग आपको 490 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। काफ़ी लगेज, कितना भी बैग आपके पास हो सब यहाँ पे आ जाने वाले हैं। स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलेंगे, जो कि फुल साइज के साथ आता है स्टील रिम के साथ। बूट में आपको लैंप भी इस वेरियंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर कवरिंग आपको ऊपर मिलेगी, तो काफ़ी ज़बरदस्त बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में जो है देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल साइड से। गाड़ी जितनी आगे से अच्छी लगती है भाई, गाड़ी को किसी भी एंगल से देखो गाड़ी काफ़ी गजब का लुक देती है। वहीं आपको इसके ऊपर मिलता है एक सिल्वर सैटन फिनिश, जो कि आगे से स्टार्ट होता है और ऑल द वे आपको जो है पीछे तक सिल्वर सैटन का लुक देखने को मिलता है। ये है कुछ लुक कम्प्लीट साइड से और भाई पीछे से। इसकी एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब चलते हैं अंदर और बिना देर किए आपको दिखाते हैं गाड़ी के और बाकी फीचर्स, ठीक है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर मिलेंगे, बाकी ऑयस्टर वाइट कलर और ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छा जो है इंटीरियर यहाँ पे फील होता है। डोर ओपनिंग एज यूजुअल वाइड है, एंटी एग्जिट करने में दिक्कत आपको नहीं होने वाली। गाड़ी में आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, वहीं आपको मिलेंगे ऑल 4 विंडो के बटन्स, ठीक है। हाँ, नीचे आपको बोतल होल्डर भी ज़रूर देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन में सीट मिलती है, बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा फैब्रिक अपहोल्सी। सीट पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रहा है, वहीं काफ़ी बढ़िया सीट यहाँ पे दी गई है। एडजस्टमेंट इन सीट का काफ़ी प्यारा है, बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाला है। आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है, ABC पैडल, साइड में डैड पैडल, ठीक है। बिना देरी किए अंदर चलते हैं और बाकी के फीचर्स आपको दिखा देते हैं। 15 लाख रुपये भाई ऑन रोड लाइन लगी हुई गाड़ी को आज भी लेने में, और कब से पता नहीं इस गाड़ी की ऐसी ही लाइन लगती आ रही है। गाड़ी को अंदर से काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की गई, और भाई रखे भी क्यों ना, क्योंकि 15 लाख रुपए में आपको ऐसी गाड़ी मिल रही है और क्या ही चाहिए। सेफ्टी फीचर की बात करें, 6 एयरबैग गाड़ी में दिए गए हैं। ये वाला पार्ट आपको मिलेगा सॉफ्ट टच के साथ, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इंटीरियर को। स्टीयरिंग यहाँ पे डी कट मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे आ जाते हैं, वॉइस कमांड जैसे फीचर भी यहाँ पे
देखने को मिलेंगे, ठीक है। MID के अंदर इन्फॉर्मेशन चेक करने का बटन यहाँ पे मिलेगा। इस वेरिएंट में आपको TPM जैसे फीचर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लस्टर ये आपको फुली एनालॉग मिलता है, RPM मीटर स्पीडोमीटर दोनों यहाँ पे दिए गए, वो सारी वार्निंग लाइट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज आपको साइड में ही दिख जाते हैं। यह स्टॉक्स जो कि आपको मैनुअल मिलते हैं, सामने की कहानी कुछ इस प्रकार से मिल जाती है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड जैसे फीचर को सपोर्ट करते हैं। बाकी सारे बटन आप सामने देख पा रहे हो। AC वेंट कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं। इसके ऊपर सिल्वर सटन का यूज मिलता है। वहीं एयरबैग यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले बताया, 6 एयरबैग मिल जाते हैं। जो AC है वो यहाँ पे आपको मैनुअल मिलेंगे। नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB पोर्ट, AUX पोर्ट यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा, और Type-C पोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यह है गाड़ी का ग्लोव बॉक्स, काफी बड़ा साइज का है। 6 स्पीड का यहाँ पे आपको मिलेगा गियर बॉक्स, जो कि काफी कमाल है। स्पीड भाई गाड़ी की काफी लाजवाब है। 6 स्पीड होने की वजह से गाड़ी भाई रॉकेट की तरह से भागती है। इसके चारों ओर आपको सिल्वर सैटन मिलेगा। आर्मरेस्ट यहाँ पे आ जाता है स्टोरेज के साथ। 2 कप होल्डर यहाँ पे दिए गए। सीट के कहने क्या, काफी कंफर्टेबल सीट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है। मैनुअल IRVM यहाँ पे मिलता है और ये सिंपल है। इस साइड में आपको वैनिटी मिरर जरूर मिल जाता है, और मेरा फेवरेट प्लेस सनग्लास होल्डर, जो कि काफ़ी जरूरी हो जाता है जो लोग चश्मे के शौकीन होते हैं। लैंप आप सामने देख पा रहे हो, और ये कहानी मिलती है सामने की। काफ़ी कमाल की कार है, लुक गाड़ी का काफ़ी गजब का है भाई। ये गाड़ी बिकती इसलिए है। ग्लोव बॉक्स मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी बड़ा साइज का है। सीट की बात मैं क्या ही करूं, पूरा कंफर्टेबल सीट यहां पे मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट प्रॉपर यहां पे मिलता है। वहीं लेग रूम की बात करें तो भाई पीछे भी आपको अच्छा खासा लेग रूम मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, और बिना देरी किए हुए आपको दिखाते हैं पीछे की सीट। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई आज के टाइम में लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। ये है पीछे की सीट। डोर ओपनिंग वाइड है ना। डोर पर आपको मिलेगा पावर विंडो का बटन, बोतल होल्डर, और ये वाला पार्ट आपको मिलेगा पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ। सीट की बात करें, एज यूजुअल फैब्रिक अपहोल्स यहाँ पर दी गई है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। बाकी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा विद कप होल्डर। पीछे है भाई पूरी सीट। लेग रूम यहाँ पे इनफ मुझे मिल रहा है। AC वेंट पूरा, AC वेंट की बात करें तो यहाँ पे AC वेंट आ जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, कुछ भी आप यहाँ पे रख पाएंगे। बीच में हम पे बिल्कुल भी नहीं है, 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल कर आता है गाड़ी का, ये देखो है ना गाड़ी का माल की। पीछे भी आपको एक लैंप मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। अंडर साइज सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल रहा है। जैसी हाइट वैसी हिसाब से आप सीट बेल्ट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल इंटीरियर की। कमाल का इंटीरियर है भाई गाड़ी का, कहने क्या, सालों से बिकती आ रही है। मैं आपको दिखा रहा इसलिए हूँ क्योंकि भाई गाड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, और ये गाड़ी को लेने के लिए लोग काफ़ी लाइन में लगे रहते हैं। लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक की वेटिंग आपको जनरली इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी, खासकर डीजल वाले वेरिएंट में, क्योंकि ये गाड़ी को ज़्यादातर लोग डीजल में लेना पसंद करते हैं। क्योंकि भाई इतनी लंबी छोटी गाड़ी को पेट्रोल में लेंगे तो क्या ही बचेगा फिर, इसलिए डीजल में ये गाड़ी की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब आपको दिखाता हूँ गाड़ी का फाइनली इंजन। इंजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ से इजिली जो है बोनेट ओपन हो जाता है, और ये है ओवरऑल गाड़ी का इंजन। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRDI पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, और भाई इसके ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन भी देखने को मिलेगी। इंजन काफ़ी प्रूवन है ना। तो ये है ओवरऑल इंजन। माइलेज की बात करें तो भाई ये इंजन के साथ गाड़ी काफ़ी पावरफुल माइलेज भी निकाल देगी। कितनी पावर जनरेट करता है सामने डिस्प्ले में लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का लुक। आगे पीछे से इंजन गाड़ी का, काफ़ी परफॉर्मिंग इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। गाड़ी को लोग बाय करते हैं इसके इंजन की वजह से भी है ना। तो ये हो गई कहानी ओवरऑल क्रेटा के SX ऑप्शनल वेरिएंट की। 15 लाख रुपए ऑन रोड में आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हो, अगर ये गाड़ी आपको शोरूम में मिल जाती है तो। वहीं गाड़ी के अंदर आपको 1.5 लीटर का पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग निकालता है 150 से लेकर 165 Nm का टॉर्क। तो ये हो गई ओवरऑल कहानी इस गाड़ी की। गाड़ी कैसी लगी, वेरिएंट कैसा लगा, आपके शहर में इस गाड़ी की कितनी वेटिंग है, या फिर अगर आप लेने गए हो तो आपको कितना वेट करना पड़ा ये गाड़ी लेने के लिए, मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।